तो दोस्तों एक बार मैं आपको पूरी दरगाह का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इधर से ये एंट्री है और अभी जो मैं खड़ा हूँ ये एग्जिट का है। और बाकी ये जो सामने ये जो दिखाई दे रही है लाल पत्थर से, ये लाल पत्थर से बनी हुई जो इमारत है ये मस्जिद है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपने अगर पीछे वाला ब्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा कि हम दिल्ली आए थे बाद में, और अभी बाद में आए हुए हैं तो यहाँ पर कुछ घूमना भी बनता है क्योंकि दोपहर का जो काम है वो हमने लंच वगैरह कर लिया, उसके बाद में जो बाद की जो भी रस्में होती हैं वो पूरी सारी निभा दी हैं। लगभग 8:30 बजे तक जो डिनर है वो होना है, तो हमने सोचा कि इतनी देर कुछ एंजॉय कर लेते हैं। तो अभी टैक्सी हमने यहाँ पर की है, साथ में इरफान भाई, बबलू, अबरार भाई आगे बैठे हैं और अब जा रहे हैं हम निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। हमने सोचा वहाँ जाते हैं और दरगाह भी देख लेते हैं, ज़ियारत भी हो जाएगी। तो दोस्तों टैक्सी में चल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है, उसकी वजह से एंजॉय एकदम फुल कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों अभी टैक्सी वाले ने हमें उतार दिया है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के आगे और अभी हम अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर दरगाह के बाहर दुकानें सजी हुई हैं, जो भी लोग यहाँ आते हैं तो अगर वो शॉपिंग वगैरह भी करनी हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं दरगाह के अंदर और इससे पहले कभी आना हुआ नहीं है, पहली फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अभी हमें यहां पर वजू बनाना है, फर्स्ट टाइम ही आए हैं इसलिए यहां का जो सिस्टम है अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं पहले तो वजू खाना कहाँ है और उसके बाद में दरगाह के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों वजू बना के हम आ चुके हैं और अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जो हुजरा है ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब का। तो अभी अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, उसके बाद में आपको बाहर से पूरा ना वो दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने तो ज़ियारत कर ली है, अब आपको एक बार पूरा जो बाहर से जो व्यू है वो दिखा देता हूँ अंदर। हालांकि मोबाइल वगैरह लेके जा सकते हैं लेकिन मैंने लेके जाना मुनासिब नहीं समझा, बाकी एक बार आपको चारों तरफ से पूरा दिखा देता हूँ। ये पीछे का व्यू है, और इस तरफ ये वजू खाना है, वजू खाना आप देख सकते हैं। और दरगाह के बिल्कुल पास में ये मस्जिद भी है यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए। तो जो भी लोग यहाँ पर दरगाह में आते हैं उनके लिए नमाज अदा करने के लिए भी सुविधा है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा और शांत माहौल है यहाँ पर दरगाह का, क्योंकि काफ़ी जगह दरगाह में जाते हैं तो भीड़ भड़ाका बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा और शांत माहौल है।
तो दोस्तों एक बार मैं आपको पूरी दरगाह का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इधर से ये एंट्री है और अभी जो मैं खड़ा हूँ ये एग्जिट का है और मेन जो दरगाह है वो यहाँ पर है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की। और बाकी ये जो सामने ये जो दिखाई दे रही है ये लाल पत्थर से बनी हुई जो इमारत है ये मस्जिद है। तो दोस्तों अभी दुआ का वक्त हो चुका है और अभी यहाँ पर दुआ होगी तो एक बार सभी लोग हैं वो दुआ करेंगे। तो दोस्तों अभी दुआ हो रही है और सभी लोग दुआ में शामिल हैं। तो दोस्तों अभी दरगाह में ज़ियारत भी हो चुकी है दुआ भी हो चुकी है और अब यहाँ से निकलेंगे। और लगभग मैंने दरगाह का जो पूरा पार्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया है और एक बार फिर से देख सकते हैं मेरे पीछे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम आना हुआ था इतना नॉलेज नहीं था, शाम का वक्त हमारे हिसाब से जो भी हो सका वो किया और आपको भी मैंने लगभग दिखाने की कोशिश करी लेकिन फिर भी अगर जानकारी में या कुछ गलती हुई है तो बिल्कुल माफ़ करना। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं।